हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोजगार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर उसका विकास हो, ताकि रोजगार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हर एक युवक को रोजगार मिलना चाहिए, तो उसके लिए कौशल विकास ज़रूरी है। इतना बड़ा जो संस्थान खड़ा किया है, देश का पहला संस्थान है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, और ये आज जिस विषय में उभर करके आया है, कितना समय हो गया इसको, 3 साल 3 साल इसको हो गए हैं। आगे आने वाले और 1.5-2 साल के अंदर इसका स्वरूप सारा बन के निकलेगा, जिसके बाद 4,000 विद्यार्थियों से, 4,000 युवाओं के प्रशिक्षण से ये काम शुरू होगा। 2030 तक 12,000 विद्यार्थी हर वर्ष यहाँ से कौशल विकास करके और अपने रोजगार के लिए आगे बढ़े। पिछले 3 साल में बात करें सर, कितने युवा यहाँ से तैयार होकर जा चुके हैं? अभी तक 2,200 युवा, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग थोड़ी थी, तो 2,200 युवाओं ने तो यहाँ से सर्टिफिकेशन कर लिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ने MOU किया है हमारे कौशल विश्वविद्यालय से, तो उनके माध्यम से भी बहुत से युवा रोजगार यानी कौशल उनका विकास हुआ है, ट्रेनिंग प्राप्त की है, और उन्हीं इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी नौकरी भी प्राप्त की है। सर, जिस तरीके से 4 लाख युवाओं की बात की जा रही है कि हर वर्ष 4 लाख युवा देश की आबादी में बढ़ता है, जी, तो 4 लाख युवा आता है, लेकिन हम मानते हैं कि लगभग 2 लाख युवा तो अपने आप ही अपने कामों के माध्यम से वो अपना काम रोजगार प्राप्त करता है, बाकी 2 लाख को पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग कराई जाए, इसकी योजना बना रहे हैं। उसमें यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे उसमें ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, या शिक्षा के बाकी संस्थान भी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास इसको भी जोड़ दिया गया है, और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी हमने आज कहा है कि अपने कुछ इंस्टीट्यूट बनाएं और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करें, यहाँ से सर्टिफिकेशन उनको कराया जाए, और यूनिवर्सिटी का जब नाम बड़ा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट की कीमत होगी, ताकि लोग इस यूनिवर्सिटी से और पढ़ करके निकलेंगे तो तुरंत भूपेंद्र सर रोजगार हुड्डा मिले। कहते हैं कि परचूने की दुकान पर नौकरियां बिक रही हैं इस तरह। 2-4 खरीद लाएं, हमको भी दिला दें अगर उनको खरीदने से मिलती हो तो खरीद लाएं, और खरीद करके हमें भी बता दें कि यहाँ मिलती है, हम भी 4 लोगों को भेजेंगे, खरीद लाओ भाई वहाँ से। सर, हरियाणा सरकार ने जो निजी क्षेत्र है उनमें 75% रोजगार देने की बात कही है, उससे कितना फर्क पड़ेगा जिस तरीके से? निश्चित रूप से उसमें हमारा जो कौशल प्राप्त किया हुआ जो युवक है उसको स्थानीय नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। हमने ये बंधन नहीं लगाया इंडस्ट्री के ऊपर कि अभी आप बिना ट्रेनिंग के या बिना हुनर के, बिना उनके क्वालिफिकेशन के आप कोई नौकरी दें, जो क्वालिफिकेशन उनकी है वो क्वालिफिकेशन हम कराएंगे, हरियाणा के युवक को नौकरी मिले तो ये हमारे लिए अच्छा लग रहा है हमको। सर, जिस तरीके से आप कांग्रेस से, और जब हर जिले में जाएंगे तो उनको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं किया, वो हमने इतने जो उस काम खड़े करके बताए हैं, अगर वो अपने घर में बैठे रहेंगे, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे तो वो जानकारी नहीं मिलेगी। जब फील्ड में जाएंगे, घूमेंगे, तब उनको पता लगेगा कि यानी ज़मीनों का जो हमने स्वामित्व योजना चलाई है इसकी जानकारी उनको मिलेगी, पानी की व्यवस्था जो हमने की है उसकी जानकारी उनको मिलेगी, हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं उसकी उनको जानकारी मिलेगी, हमने परिवार पहचान पत्र जो नई योजना बनाई है उसकी जानकारी उनको मिलेगी, बिना किसी पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, एक एक गाँव में गरीबों के 20-50 बच्चों को नौकरी मिल रही है, जब वो गाँव में जाएंगे तो उनको जवाब देंगे कि आप क्या करते हैं, अब क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियाँ उनको फील्ड में जाने के बाद ही मिलेंगी। ज़रूर जाना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें सब लोग चिंतित हैं, और ये विषय चूँकि पॉलिटिकल विषय तो है नहीं, लेकिन एक ऐसा एक संकट है, जैसे कोरोना एक संकट आया था, उस संकट में सब लोगों ने मिल करके उसकी लड़ाई लड़ी और काफ़ी कुछ उसमें बाहर निकल आए हैं। ये प्रदूषण भी जो है बहुत से इसके कारण हैं, इंडस्ट्री भी इसके कारण हैं, ऑटोमोबाइल हमारे जो व्हीकल्स हैं वो इसका कारण हैं, और कहीं कहीं लोग जो कहते हैं पराली, हमारे हरियाणा में पराली के जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं दूसरे प्रांतों के बनस्पत, लेकिन ये ज़ीरो हो जाए इसके लिए हमने सख्ती भी बरती है और FIRs की हैं, जुर्माने किए हैं, और कई जगह पर हमने किसानों को सहायता के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा भी दे रहे हैं कि आप लोग पराली को जलाने के बजाय इसको इकट्ठा करिए और इंडस्ट्रियल यूज़ में इसको बेचिए, तो पर टन उसकी बिक्री भी हो रही है, किसान की आय बढ़ी है। तो इसलिए हमने अभी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसके कई जो हमने उठा लिए उसके पग, स्कूल बंद किए हैं, कॉलेज बंद किए हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य ना बिगड़े, इंडस्ट्री को बंद किया है अभी, और ऑड इवन की बात भी चल रही है वो भी हम करेंगे। तो किसी भी प्रकार से हमने जो 500-300 किलोमीटर के अंदर जो हमारे पावर प्लांट्स हैं
उसमें से भी दो चल रहे हैं, तीन उसमें बंद किए हैं। तो ऐसे निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं या जो हमने अपनी योजनाएं बनाई हैं उस अनुसार बहुत हम गंभीर हैं। कल गुरुग्राम में हमने एक इंजीनियर्स की कमेटी भी बनाई है ताकि वो उसका अध्ययन करके क्या क्या पग उठाए जा सकते हैं, वो जैसा सुझाव देंगे वैसा हम करेंगे। धन्यवाद।